दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कन्या महाविद्यालय जालंधर। नगरोटा सूर्या में शुक्रवार सहकारी सभा के डिपो में उपभोक्ताओं में पहले सामान लेने को लेकर खूब हंगामा हुआ। हालत यहां तक पहुंच गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे और ना तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे थे। डिपो के सेल्समैन के साथ भी खूब तूतू मैं हुई। पुलिस के पहुंचने पर भी माहौल शांत नहीं हुआ तो आखिरकार डिपो के सेलमैन को डिपो बंद करना पड़ा। उधर सभा द्वारा फैसला लिया गया कि अब पंचायत में कल से वार्ड वाइज लोगों को राशन दिया जाएगा। सभा के प्रधान मेहर सिंह पठानिया ने कहा कि लोग नहीं मानेंगे तो हम डिपो बंद कर देंगे। उधर नायब तहसीलदार रोशनलाल मांटा ने कहा कि लोग नहीं सुधरे तो यह डिपो सील कर दिया जाएगा। अभी मेरे ध्यान में आया है कि रोटा सूर्य में जो राशन का डिपो है वहाँ पर अधिकतर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। मैं राशन के डिपो का जो मालिक है सेल्समैन, उसे अपने कार्यालय में बुला के मैंने उसको हिदायत दे दी है कि वो या तो डिपो को बंद कर दे या जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करे। तो अभी फिलहाल के लिए जो डिपो उसने बंद कर दिया है, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। भविष्य के लिए भी मैंने उसे चेतावनी दी है कि अगर वो वहाँ पर किसी प्रकार की जो है सामाजिक दूरी को पालन नहीं किया गया, क्योंकि ये कार्य उसी का है, ये अपने सेल्समैन ने ही देखना है कि वहाँ पर उसके डिपो के बाहर जो है कोई भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठित ना हो, उसे अपने हिसाब से ही अरेंजमेंट करना है। अगर ज़्यादा वहाँ भीड़ होगी तो हम डिपो को बंद करने के लिए मैं आगामी कार्रवाई अमल में ला जाऊँ। तो हमें सौदा दे दो, जैसे दुकान में मिलता है दुकान में, मतलब के मिलिया कने चली गई। तो क्या ऐसा मौ रहा तो आप बंद कर देंगे डिपो? ऐसा कोई कानून नहीं बंद करने वाले, गवर्नमेंट दे आदेश पर बंद भी हो सकता है कने खुला भी रह सकता है। तो नहीं करेंगे ना जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। तो दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। Hi all, this is Navpreet Kaur, STV Femina Miss India top 5 finalist and Femina Miss India Punjab crown holder, also a proud KMBite. And I hereby come with a very small yet very important message, and that is to please stay indoors, do not step out and maintain social distancing. It is popularly believed that united we stand and divided we fall. But here in the season of quarantine, this has completely changed its meaning. And now, united we fall and divided we stand. Therefore, please maintain social distancing and do not meet people. Avoid meeting your friends for some time till this thing comes to an end. Also, avoid getting bored. And if you're a KMVite, you know how to not get bored, because we have all the work in the world to do in this time. So alongside providing academics through LMS, KMV has also initiated a variety of competitions such as poster making, photography, fitness challenges, skipping challenges and whatnot. So this is keeping us completely occupied and busy. Also apart from this, KMV has distributed across 25,000 handmade masks to the needy people. And apart from that, we have also put awareness posters across the city about COVID-19 and in the neighboring villages. So this is about KMV and how we are keeping up with this situation, and we are keeping strong, staying healthy, staying home, staying alive. So this is Navpreet Kaur, proudly a KMVite.